Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, now today we are going to have another topic of 7th standard composite mathematics. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. अब ट्राइंगल का एरिया देखिए हम लोगों को हो सकता है पहले भी हम लोगों ने निकाला हुआ हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में क्या किया गया है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस तरीके का एक ट्राइंगल था उसी तरीके का एक दूसरा सेकेंड ट्राइंगल बना करके उसको जो अपोजिट हमारा ये वाला डायरेक्शन ये वाला साइड था इस साइड को मिला करके रखने से एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा. पैरेललोग्राम में हमको यहाँ हाइट चाहिए होगा और एक बेस चाहिए होगा. अब हमको पता है कि बेस इनटू हाइट करने से पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, बट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हमको पूरा पैरेललोग्राम का नहीं, हाफ पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए. तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा. पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है. तो यानी कि अब जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. इसको फॉर्मूले की फॉर्म में आप लर्न कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा. ये एक्टिविटी दिखाई गई थी जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है. अब देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला दिया है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट और एल्टीट्यूड. हाइट और एल्टीट्यूड एक ही चीज़ होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. इसके बाद अगर आपको बेस निकालना होगा तो बेस निकालने के लिए 2 इनटू एरिया अपॉन एल्टीट्यूड करना पड़ेगा, और अगर हाइट यानी एल्टीट्यूड निकालना होगा तो 2 इनटू एरिया अपॉन बेस करना होगा. अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ चलते हैं. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है देखिए फार्मूला लिखा हुआ है √3/2 ए यानी यहाँ पर हमारा साइड हो जाएगा. तो और ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ क्योंकि एक साइड इसमें लिखी गई केवल AD यानी जो निकाला गया है इसमें वो लिखा गया है. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है इसका रिमेनिंग पार्ट. ओके नाउ यू आर लुकिंग एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट नंबर. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड करना पड़ा. बेस ऑलरेडी हमारे पास गिवन था वहाँ पर ए, तो 1/2 इनटू ए. अब देखिए 1/√3/2 ए ये हमारा उसका हाइट आया था यानी एल्टीट्यूड आया था. तो एल्टीट्यूड हमने यहाँ पे रखा हुआ है √3/2 ए, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4 यानी √3/4 और ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर. तो जो हमारा ए है ये साइड है. इस तरीके से कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल जब दिया जाएगा तो उसका सॉल्व करने के लिए √3/4 ए स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला होगा, जहाँ पर ए हमारा साइड होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि √3 क्या होता है. तो √3 की जो वैल्यू रखी जाती है वो रखी जाती है 1.732. तो ये आपको याद रखना होगा √3 की वैल्यू क्या है. उसके बाद हमारा एग्जांपल 1 है, तो चलिए हम एग्जांपल 1 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 9.6 सेंटीमीटर एंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ कि हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का और बेस हमारे पास है और एल्टीट्यूड हमारे पास है. डायरेक्टली वी विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. तो बेस की वैल्यू रख दी 9.6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की वैल्यू रख देंगे 5 सेंटीमीटर. तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से हमारा अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम. चलिए हम लोग अपना लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर. तो इसमें हमको निकालना है, इसमें वन साइड 7 सेंटीमीटर दी है यानी ए जो है यानी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर. √3/4 को एज इट इज़ लिखेंगे, साइड की जगह 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49. दैट मीन्स 49 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1.732 एंड द प्रोडक्ट इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 4. तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट किया गया, उसके बाद 4 से डिवाइड किया गया. जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो यहाँ पर आएगा वो 21.217 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर है. बट इट इज़ नॉट करेक्ट टू डीपी. टू डीपी मीन्स होता है टू डेसिमल प्लेस. जब इसको हम टू डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके लाएंगे तो ये जो 1 था ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 7 हमारा रिमूव हो जाएगा. दैट क्योंकि 7 या 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसके पहले हम 1 इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर में. तो 21.22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट एरिया निकल आएगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का. यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा तो √3 की जो वैल्यू पुटअप की गई है वो 1.732 की गई है. ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 ही होती है.
तो इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको. नेक्स्ट आप ट्राई करिएगा अपने एक्सरसाइजेस, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क मी. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय.